हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल असेंबली एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो 1808 में दिया गया। कब दिया गया? 1808 में। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं, इस सिद्धांत के निम्नलिखित बिंदु हैं। सबसे पहला है कि द्रव्य अथवा पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है। नेक्स्ट, इन्होंने बात की कि एक ही तत्व या पदार्थ के सभी परमाणु रासायनिक संगठन व गुण में समान होते हैं। रासायनिक संगठन व गुण में समान मतलब कि उनकी आकृति, आकार और द्रव्यमान आदि सभी गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों या पदार्थों के परमाणु रासायनिक संगठन व गुण में असमान होते हैं। जैसे कि उन्होंने, जैसे कि एग्जांपल है कि H2 है और एक है O2, हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु। हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन भी दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये है, इनके आकार, आकृति और द्रव्यमान समान होंगे। उसी प्रकार ऑक्सीजन के, इनके आकार, आकृति और द्रव्यमान समान होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो परमाणु हैं, लेकिन इनके आकार, आकृति और द्रव्यमान समान होंगे ये आवश्यक नहीं है, ये अलग अलग होंगे। नेक्स्ट, उन्होंने बात की कि एक से अधिक तत्व ये परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजन करके यौगिक बनाते हैं। एक से अधिक तत्व है, एक से ज़्यादा तत्व है, एक निश्चित अनुपात में संयोजन करके यौगिक बनाते हैं। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही, जैसे कि CH4 बनाया, तो एक निश्चित अनुपात में मिलकर ये इन्होंने CH4 का निर्माण किया। उसी प्रकार जैसे H2O है, इसमें भी एक निश्चित अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। जिस प्रकार हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यह पढ़ा था कि द्रव्यमान को न तो किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट, उसी प्रकार जॉन डाल्टन ने कहा कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियाँ। इसमें सबसे पहली कमी है कि परमाणु को अविभाज्य कण बताया। डाल्टन ने क्या बताया? परमाणु को अविभाज्य कण बताया, लेकिन यह उप परमाणुवीय कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन में विभाज्य है। परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई डाल्टन के द्वारा बताई गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके अविभाज्य कण छोटे उप परमाणुवीय कण ज्ञात हुए, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तब उनका पहला नियम फेल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है समस्थानिकों के कारण एक ही तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं। समस्थानिकों के कारण एक ही तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान होते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा था कि समान परमाणु आपस में उनकी आकृति, आकार और द्रव्यमान समान होंगे। जैसे कि वहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था कि H2, तो हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो इनके द्रव्यमान, आकृति और संरचना समान होगी, लेकिन इनके हाइड्रोजन के समस्थानिक पाए गए, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H2, ये समस्थानिक हाइड्रोजन के, इनके परमाणु संख्या समान है। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणुओं जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन यहाँ पे ऊपर द्रव्यमान संख्या को दर्शाया जाता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो उनका वह नियम फेल हो गया कि समान अणुओं या यौगिकों के परमाणु समान आकृति, आकार और द्रव्यमान रखते हैं, रासायनिक या भौतिक गुण समान रखते हैं, ये उनकी बात गलत साबित हो गई। जैसे कि यहाँ पे समस्थानिक के एग्जांपल दे रहे हैं, कार्बन C6 ये 12, 13 और 14 के रूप में पाया जाता है कार्बन के समस्थानिक। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि जैसे कि हमने कार्बन है ये सॉरी H2 लिया हमने या O2 लिया तो हम ऑक्सीजन इनके परमाणु द्रव्यमान समान हो, यह ज़रूरी नहीं। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम 20 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु द्रव्यमान है 40। उसी प्रकार ऑर्गन 18 नंबर पे आता है और उसका परमाणु द्रव्यमान भी 40 है। इसलिए क्या हुआ कि अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि यह सिद्धांत परमाणु तथा अणु में कोई फर्क नहीं बताता। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने यह नहीं बताया कि अणु और परमाणु में क्या फर्क है, उन्होंने अणु और परमाणु को एक ही समझा। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में। सबसे पहले इसमें देखेंगे परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास क्या होता है। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान वह मान होता है जिससे यह पता चलता है कि वह कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है, अतः ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मानक परमाणु द्रव्यमान मानते हैं। सबसे पहले मानक परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन को माना गया, फिर ऑक्सीजन को माना गया, लेकिन हाइड्रोजन को माना तब हमारे साथ में एक समस्या आई कि क्या हुआ कि उनमें हाइड्रोजन को मानक परमाणु द्रव्यमान मान के अगर अलग तत्वों के हम परमाणु द्रव्यमान निकाले तो कुछ तत्व इस प्रकार से आए कि उनका परमाणु द्रव्यमान अंश में यानी कि फ्रैक्शन में आया, तो हम उन तब हाइड्रोजन की जगह हमने ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन में क्या है कि ऑक्सीजन में बाद में पता चला कि प्राकृतिक ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, जैसे O16 O17 O18, तो हम ऑक्सीजन को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, AMU। आजकल इसे AMU की जगह सिर्फ UB लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात दे रखी है, कार्बन से पहले हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मानक परमाणु के रूप में माना गया, लेकिन बाद में हाइड्रोजन के कुछ तत्वों के द्रव्यमान अंश यानी फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त होने के कारण हटा दिया गया, तथा ऑक्सीजन को उनके कई समस्थानिक प्राप्त होने के कारण हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं औसत द्रव्यमान के बारे में। औसत द्रव्यमान एवरेज एटॉमिक मास। यदि किसी परमाणु के दो या दो से अधिक समस्थानिक पाए गए, समस्थानिकों का हम औसत परमाणु द्रव्यमान लेते हैं। दो या दो से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं तो इन समस्थानिकों का औसत निकालकर इन्हें जोड़कर औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, अब बताया गया कि क्लोरीन में इनकी प्रतिशत मात्रा 75% और 25% होती है। इनकी हुई 75% और इनकी कितनी हुई 25%, ये बताया गया है। तो हम इसका औसत परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार निकालेंगे, तो देखते हैं कि क्लोरीन 35 का 75% का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो वो कितना हो गया कि 35 × 75/100। और उसी प्रकार क्लोरीन 37 का कितना हुआ, 37 × 25% दे रखा है इसका मात्रा, 25/100। अब हम आगे क्या बताया गया कि इनके प्रतिशत मात्रा इनके समस्थानिकों का औसत निकाला फिर उनको जोड़ेंगे तब जो हमारे पास द्रव्यमान आएगा वो क्या आएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो हमने इनको जोड़ दिया कि 35 × 75/100 प्लस यहाँ पे 37 × 25/100। ठीक है, ये क्रॉस कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आया, 105/4 प्लस
37/4 आ गया है 71/2 बराबर 35.5 AMU। ये क्या आ गया, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन के समस्थानिकों के कारण हम क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान लेते हैं जिसका मान है 35.5। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिकुलर मास। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या को गुणा करके जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि H2O, H2O का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो हम 2 से गुणा करेंगे और हाइड्रोजन 1 का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर दे रखा है कि 1.008 है। ठीक है, फिर क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन कितने, 1, इसको गुणा करेंगे 1 ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान से, तो 1 ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18.02 AMU या सिर्फ U। ये क्या आ गया, H2O का आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH4 लिया, मेथेन का आणविक द्रव्यमान याद करते हैं तो कार्बन कितना है, 1 × 1 का माना कि 12 ले रहे थे हम, 12। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, सॉरी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4, तो हम 1 का कितना होता है, यहाँ पे दे रखा है कि 1.008। इस प्रकार CH4 का भी आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास के बारे में। कुछ पदार्थों या यौगिकों में विशेष रूप से आयनिक यौगिकों की बात की जा रही है, जैसे कि NaCl, MgCl2 और KCl। जैसे आयनिक यौगिकों की बात की जाती है उनमें विविक्त अणु नहीं बनते, दे रखा है। इसका सूत्र द्रव्यमान हम निकालेंगे कि सोडियम का कितना होता है, 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इनको जोड़ेंगे तो 58.5 U, ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।